आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, दो रेखा के बीच का न्यूनतम दूरी क्या होता है। न्यूनतम दूरी का मतलब ये है, जैसे ये दो लाइन है और लाइन आपका कैसा होना चाहिए, एसक्यू लाइन्स होना चाहिए, है ना। जब दो लाइन आपका एसक्यू लाइन्स होगा, यानी कि दो लाइन जब ना ही पैरेलल होगा ना ही एक दूसरे को काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो वैसी स्थिति में दोनों लाइन के बीच का जो न्यूनतम दूरी है उसी को कहा जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में दो एसक्यू लाइंस दिया गया है और दोनों का वेक्टर इक्वेशन दिया गया है ना, कब, जब एक बिंदु से पास करे तब। ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज को। देखिए, ध्यान दीजिए, जब कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, जब यह कोई बिंदु ए से पास करे, कोई बिंदु ए है जिससे पास कर रही है लाइन और उसका पोजीशन वेक्टर ए है, ठीक है, और यह लाइन जो है आपका कोई एक बी वेक्टर है, बी वेक्टर है उसके पैरेलल है। ये लाइन क्या, सपोज कर लीजिए कि ये लाइन एल है, तो लाइन एल जो है बिंदु ए से पास कर रही है और वेक्टर बी का क्या है, पैरेलल है। तो जब ऐसा हो कि कोई बिंदु ए से पास करे और वेक्टर बी का पैरेलल हो, जहाँ ए बिंदु का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, तब वैसी स्थिति में इसका जो है वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ठीक है, ये हो जाता है। अब कहिए कि आर क्या है, तो आर जो है जनरल पॉइंट है यहाँ पे पी, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है आपका आर है ना, पी क्या है आपका लाइन जो है एल, उस पर कोई एक जनरल पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। तो ऐसी स्थिति में लाइन का जो इक्वेशन है वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी। तो आपको ध्यान ये देना है, जब भी लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा तो आपको ध्यान में ये रखना है कि वेक्टर ए जो होता है उस बिंदु का पोजीशन वेक्टर होता है जिससे लाइन पास कर रही होती है। देखिए, यहाँ से पास कर रही है ये लाइन, ठीक है, उसके बाद वेक्टर बी जो होता है, वेक्टर बी क्या होता है, तो ये वो वेक्टर है जिसके जो है पैरेलल है आपका जो है लाइन एल, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ आपको जो है पिक करना है कि ए के जगह पर कौन है, बी के जगह पर कौन है, उसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसको डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब दो एसक्यू लाइन्स के बीच का न्यूनतम दूरी, यानी कि ये दो लाइन है तो इनके बीच का न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी किस पोजीशन में होगा और कितना होगा, वही तो बताना है। तो देखिए, बहुत इजी है, सिर्फ आप लोगों को ये देखना है कि लाइन किससे पास करी है और किसके पैरेलल है, बस उसके बाद फॉर्मूला में बैठा देना है। तो देखिए, तो हम लोग ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे सॉल्यूशन में वी हैव से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे वी हैव, तो दोनों लाइन का इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पे पहले, तो वेक्टर आर इक्वल्स टू आई के माइनस टू जे के प्लस थ्री के, ये हो गया, प्लस लेमडा इंटू टू आई के प्लस थ्री जे के माइनस फोर के, ठीक है, यहाँ से इसीलिए तो ये हो गया ए आपका ना, तो ए, तो ए वन कह दीजिए दो लाइन है, तो ए वन हो गया आई के माइनस टू जे के प्लस थ्री के, ठीक, और ये हो गया आपका b1, तो वेक्टर b1 हो गया 2i के प्लस 3j के माइनस 4k के। चलिए, इसको पहला लाइन आप बोल सकते हैं, इसके अलावा क्या था दूसरा लाइन भाई आपका, तो दूसरा लाइन वहाँ पे है, तो वेक्टर r इक्वल्स टू 2i के प्लस j के प्लस k के, है ना, उसके बाद प्लस म्यू माइनस 3i के प्लस 2j के प्लस k के, ये है। यहाँ से देखिए a2 टू के जगह पर ये हो जाएगा, तो therefore a2, तो a2 हो जाएगा आपका 2i के प्लस j के प्लस k के, ये हो गया, एंड b2 हो जाएगा आपका, b2 हो जाएगा माइनस 3i के 2j के प्लस k के। चलिए, हम लोगों को क्या मिल गया, इसमें से ये जो लाइन आपका पहला लाइन इस बिंदु से पास किया है इस वेक्टर का पैरेलल है, इसमें जो दूसरा लाइन जो इस बिंदु से पास किया और इस वेक्टर का क्या पैरेलल है, मिल गया हम लोगों को। तो थोड़ा शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला देख लीजिए, तो एस डी शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाता आपका बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन, ये है अपॉन बी वन क्रॉस बी टू, ठीक है, ये है आपका शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी कि b1 ये है b1,
B1 और B2 का क्रॉस निकालेंगे, वहाँ से जो एक वेक्टर मिलेगा उसको क्या करेंगे A2 माइनस A1 में डॉट कर देंगे और बटे में यही B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। और अंतिम में क्या करना है, टोटल का जो आपको मोड लेना है, मोड इसलिए क्योंकि डिस्टेंस जो होता है आपका क्या होता है, कैसा होता है, क्वांटिटी होता है, तो आपका पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, हमेशा वो पॉजिटिव होता है, इसलिए मोड ले लेंगे। चलिए तो इतना हम लोग व्यंजक तैयार करें, क्या क्या जरूरी पड़ रहा है, B1 क्रॉस B2, A2 माइनस A1, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड, तो देखते हैं, यहाँ देखिए, तो A2 यहाँ है, A1 यहाँ, A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, तो A2 माइनस A1, तो A2 लिखिए यहाँ पे 2ik प्लस jk प्लस kk, ये हो गया A2, माइनस A1 यहाँ पे है, तो ik 2jk प्लस 3kk, ये हो गया, ठीक है, यहीं पे लिख लीजिए, 2ik में ik गया, तो ik, jk में माइनस 2jk, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3jk, kk में 3k माइनस हुआ, तो 2kk, ये हो गया आपका A2 माइनस A1। अब B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिए, B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं, ऐसे है ना, I K J K K K, ठीक है। तो जब भी आपको क्रॉस निकालना रहता है तो डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करते हैं, और फर्स्ट रो जो लेते हैं हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लेते हैं, सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर का DRS लेते हैं, सेकेंड वेक्टर में फर्स्ट रो में आपका क्या लेना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, अर्थात I K J K K K, सेकेंड रो में किसको लेना है, तो वेक्टर B1 का DRS, थर्ड रो में वेक्टर B2 का DRS लेना है। चलिए तो B1 का DRS कौन है, ये है 2, 2, 3, -4, B2 का -3, 2, 1, तो चलिए तो 2, 3, -4, 2, 3, -4, ठीक है, इसका -3, 2, 1, इत्मीनान से देखिए, बहुत सिंपल सा है। अब देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे R1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जब I कैप लेंगे R1 के सापेक्ष इसको एक्सपेंड करेंगे, तो I कैप लेंगे फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ से रो और कॉलम को छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा 3 -4, 3 -4, 2, 1, ये हो गया I कैप, माइनस J कैप लेंगे, ये ख़त्म, तो 2 -4, 2 -4, -3, 1, ये हो गया आपका J कैप, ठीक है, प्लस उसका ये लेंगे तो ये ख़त्म, तो 2, 3 -3, 2, ये हो गया आपका K कैप, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, कैसे इस माइनर को सॉल्व करते हैं, 3 × 1, तो 3 हो गया, -2 × -4, तो -8 होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे +8 I कैप, बीच में माइनस होता है, चलिए यहाँ माइनस है, दे दीजिए -2 × 1, तो हो गया 2, ठीक है, -3 × -4, तो +12 ना, तो हो जाएगा -12, तो यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ देखिए 2 × 2, 4, 4, उसके बाद -3 × 3, तो -9, तो +9 हो गया, यहाँ पे K कैप हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 + 3 = 11 I कैप, यहाँ पे 2 में 12 माइनस हो गया, तो -10, तो -10 J कैप, यहाँ पे 13 K कैप। चलिए भाई, तो B1 क्रॉस B2 हाजिर है, A2 माइनस A1 भी हाजिर है, अब क्या करेंगे दोनों का डॉट लेना है, तो लिखेंगे B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, सारा व्यंजक निकाल करके फॉर्मूला में बैठा देना है, तो B1 क्रॉस B2 तो यही है भाई आपका, तो 11 आई के प्लस 10 जे के प्लस 13 के कैप, ये हो गया। उसके बाद A2 माइनस A1, ये रहा आपका I कैप, 3 J कैप, -2 K कैप, ये हो गया। अब देखिए गुणा करते हैं, तो 11 × 1, 1 है, तो 11 हो गया, प्लस 10 × 3, तो हो गया 30, प्लस इंटू माइनस, माइनस 13 × 2, 26, कितना हो गया देखिए, तो यहाँ से हो गया आपको 4, 4, 11, 4, 15, ठीक है। तो हम लोगों को इसका वैल्यू मिला, यानी दो वेक्टर का डॉट मिला 15, ठीक है। अच्छा, तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो B1 क्रॉस B2 का
मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर यही ना है, ये है आपका बी वन क्रॉस बी टू, यहाँ देखिए बी वन क्रॉस बी टू यही है। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड तो 11 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर सॉरी उसके बाद 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, तो 121 प्लस 100 169। देखिए तो 9 प्लस 0 9 प्लस 1 10 ठीक, 1 रहा उधर तो 6 प्लस 0 6 प्लस 2 8 और उधर 1 तो 9 हो गया, फिर 1 3 तो 390 हो गया रूट अंडर ठीक है। तो लिखेंगे नाउ एस डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या पढ़े थे अभी, बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन ठीक है अपॉन बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड का हॉल मूल ठीक है। अब देखिए इसका मान यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना है आपको डॉट निकाले 15 निकला है, चलिए तो 15 हो गया और इसका मैग्नीट्यूड अभी देखिए यहाँ पे रूट अंडर 390 रूट अंडर 390 ये हो गया, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा 15 अपॉन रूट अंडर 390 यूनिट्स, डिस्टेंस है तो यूनिट्स ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि दो लाइन जब इस फॉर्म में रहेगा तो दोनों के बीच का एंगल कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, वीडियो को रोक करके नोट कीजिए और एक एक स्टेप को समझने का प्रयास कीजिए, ये आपको लॉन्ग के लिए पूछा जाएगा यानी 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शॉर्टेज डिस्टेंस आपका 2023 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसमें भी आपको लॉन्ग कैटेगरी में दिया है, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए एंगल कैसे निकाले, जैसे यही क्वेश्चन लेते हैं यही क्वेश्चन में हम एंगल बता रहे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये दो लाइन है इसके बीच का एंगल आपको निकालना है ठीक है। तो ये ठीक ठाक था ही, तो आई केप माइनस टू जे केप प्लस थ्री के केप, चलिए तो यहाँ तक ठीक है, हम लोगों को निकालना ही पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं सिर्फ। चलिए देखिए तो यहाँ पे एंड वेक्टर आर है, चलिए तो ये दो आपको इस स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन है और कहता है आपको ये दोनों लाइन के बीच का एंगल बताइए क्या होगा, हम लोग मान करके चलते हैं दोनों के बीच का एंगल क्या है थीटा है ना। तो हम लोग पढ़े हैं इस स्थिति में जब लाइन का इक्वेशन वेक्टर आर इक्वल्स टू ए वन लेमडा बी वन और दूसरा लाइन हो वेक्टर आर इक्वल्स टू ए टू प्लस म्यू बी टू, तो ऐसी स्थिति में दोनों लाइन के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बी वन डॉट बी टू अपॉन बी वन का मैग्नीट्यूड इंटू बी टू का मैग्नीट्यूड, ये हो जाता है ना। तो जब दो लाइन ऐसा हो कि पहला लाइन का इक्वेशन हो जाए वेक्टर आर इक्वल्स टू ए वन वेक्टर ए वन प्लस लेमडा वेक्टर बी वन और दूसरा लाइन का इक्वेशन हो जाए वेक्टर आर इक्वल्स टू ए टू प्लस म्यू बी टू, तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा मोड ऑफ बी वन डॉट बी टू यानी दोनों बी वन और बी टू का मैग्नीट्यूड सॉरी बी वन और बी टू का डॉट अब नीचे में दोनों का मैग्नीट्यूड का गुणनफल ठीक है। ये चीज़ है तो देखिए तो B1 यहाँ पे है B2 यहाँ पे है ठीक है, तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे डॉट निकाल लेते हैं और बारी बारी से दोनों का मैग्नीट्यूड, तो चलिए पहले मैग्नीट्यूड शुरू करते हैं। तो B1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
माइनस फोर का स्क्वायर, तो ये हो गया आपको 4 प्लस 9 प्लस 16, तो 16 चार 20 और 9 29, है ना, ये हो गया। उसके बाद बी टू का मैग्नीट्यूड देखिए, तो बी टू यहाँ पे, तो माइनस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, तो हो गया यहाँ पे रूट अंडर 14, ठीक है। तो ये हो गया आपका B1 और B2 का मैग्नीट्यूड। अब क्या था डॉट दोनों का, तो B1 डॉट B2 निकाल लीजिए। तो B1 वेक्टर कहाँ है आपका, वहाँ पे है यहाँ पे, तो 2i कैप प्लस 3j कैप 4k कैप, ये हो गया B1 डॉट B2। B2 कहाँ है, यहाँ पे है, तो माइनस 3i कैप 2j कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो देखिए डॉट करके क्या होता है, यहीं पे देख लेते हैं, तो 2 इंटू माइनस 3 तो माइनस 6, 3 इंटू 2 6, माइनस 4 इंटू 1 तो माइनस 4, तो ये ख़त्म, तो माइनस 4 हो गया आपका दोनों का डॉट। तो लिखेंगे नाउ कॉस थीटा इक्वल्स टू B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड, ये हो गया। तो दोनों का डॉट कितना निकला, माइनस 4, और B1 का मैग्नीट्यूड कितना है आपका रूट अंडर 29, उसके बाद इसका रूट अंडर 14। तो देखिए तो कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ तो मोड है तो प्लस वाला पार्ट लेंगे, और नीचे में गुना कर दीजिए, तो 29 इंटू 14 तो हो जाएगा 4 9 चौके 36, 3 4 दुनी 8 और 3 11 यहाँ पे 29, ये हो गया 6 10 9 1 10 1 2 1 3 1 4 406, ये हो गया। तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4/√406, ये हो गया आपका दोनों लाइन के बीच का एंगल हो गया, ठीक है। जब भी आपको एंगल देगा निकालने के लिए तो आपको क्या करना है, ऐसे ही बनाना। अब हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, जब लाइन का इक्वेशन आपको किस में दिया रहेगा, जब लाइन का इक्वेशन आपको दिया रहेगा कार्टेशियन फॉर्म में, जब एक पॉइंट से पास करेगा तब वैसी स्थिति में दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वीडियो में बने रहना आप लोगों को और प्रैक्टिस करते रहना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि टीचर के पढ़ाने से बताने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक आपको नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन जैसे रहेगा, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, पहला जिसमें एक्स माइनस 2/3, वाई माइनस 3/1, जेड माइनस 4/2, ये पहला लाइन है, और दूसरा लाइन देखिए एक्स माइनस 4/1, वाई माइनस 3/4, जेड प्लस 5/4, चलिए यहाँ भी 5 ले लेते हैं। ध्यान दीजिए ये दो लाइन है ना, और ये दो लाइन जो आपका क्या है, तो कार्टेशियन फॉर्म में है, कब, जब एक पॉइंट से पास करे तब। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है जैसे कि एक्स माइनस एक्स 1/a1, वाई माइनस वाई 1/b1, जेड माइनस जेड 1/c1, ये एक लाइन हुआ। दूसरा लाइन देखिए एक्स माइनस एक्स 2/a2, वाई माइनस वाई 2/b2, जेड माइनस जेड 2/c2, ये दो लाइन रहेगा जब, तो दोनों के बीच का एंगल यदि थीटा रहेगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, कॉस थीटा
तो सेम वैसे निकालेंगे ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन रूट अंडर ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर। यानी कि वहाँ पे वेक्टर फॉर्म में था, यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, यानी कि बी वन डॉट बी टू था ना, तो डॉट करने के बाद यही व्यंजक मिलता है, ठीक है। और नीचे में क्या था, उसका मैग्नीट्यूड था, तो ये देखिए ना बी वन का मैग्नीट्यूड है, ये बी टू का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, दोनों का डॉट है, सिंपल सा है, तो कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला में आपको बैठाना है। चलिए देखिए, तो आपको ये सिर्फ देखना है दोनों का डी आर एस लेना है। चलिए देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे, तो वी हैव एक्स माइनस टू बाय थ्री, वाई माइनस थ्री बाय वन, जेड माइनस फोर बाय टू, ये हो गया। तो इसीलिए यहाँ से देखिए ए वन का काम कर रहा है थ्री, बी वन का काम कर रहा है वन, सी वन का काम कर रहा है टू, ये पहला लाइन है। दूसरा लाइन को लिखिए, तो x माइनस फोर बाय वन, वाई माइनस थ्री बाय फोर, जेड माइनस माइनस फाइव बाय फाइव। जनरल फॉर्म में क्या होता है उसका, जेड माइनस जेड जेड टू ना, यहाँ पे इस फॉर्म में लिख लिए। तो यहाँ से देखिए इसका क्या हो जाएगा, ए टू हो गया वन, बी टू हो गया फोर और सी टू हो गया फाइव। इस लाइन का डी आर एस ए वन बी वन सी वन, इसका ए टू बी टू सी टू हो गया, इसको दूसरा लाइन बोल सकते हैं। तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट इसका, तो लिखेंगे नाउ एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी पहला लाइन और दूसरा लाइन के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैसे होता है, तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन रूट अंडर ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर, रूट अंडर ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए इस पर बैठा देना है सिर्फ, और कहीं कुछ नहीं है। तो ए वन कौन है आपका, यहाँ देखिए ए वन थ्री है, थ्री इंटू ए टू, ए टू कौन है वन है, प्लस बी वन कौन है आपका वन है, बी टू कौन है, बी टू यहाँ देखिए फोर है, प्लस सी वन, सी वन कौन है आपका, सी वन टू है, इंटू सी टू कौन है, सी टू फाइव है, अपॉन रूट अंडर ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर सी वन का स्क्वायर, तो यानी इसका तो थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर इंटू, अब यहाँ देखिए ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, यहाँ से तो वन का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, और यहाँ पे हाँ फाइव का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, तो थ्री इंटू वन थ्री प्लस फोर प्लस टेन अपॉन, यहाँ कितना हो गया, तो देख सकते हैं नाइन प्लस वन प्लस फोर रूट अंडर वन प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव, ये हो गया। तो सेवनटीन हो गया ऊपर में, टेन प्लस फोर फोर्टीन प्लस थ्री सेवनटीन, यहाँ पे हो गया रूट अंडर फोर्टीन इंटू, यहाँ पे हो गया आपको सिक्सटी ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटीन, तो फोर्टी वन प्लस वन फोर्टी टू, ठीक है। तो ये आपका किसका वैल्यू हो गया, तो कॉस थीटा का ना, तो कॉस थीटा का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सत्रह बटे, इसको गुना कर दीजिए तो अट्ठाईस दो छप्पन और दो अंठावन, ये तो देयर फोर थीटा क्या हो गया, तो कॉस इनवर्स सेवनटीन रूट अंडर फाइव डबल एट, ठीक है। उम्मीद करते कैलकुलेशन सही होगा। तो ये कुछ सवाल था 3D का, है ना, जिसमें कि लाइन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में था, तो उसका हम लोग देखें दोनों के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है, और दो एसक्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए भी हम लोग सीखे, ठीक है। उम्मीद करते आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।